एक लोटा पानी बुढ़ापे में जरूरी नहीं है। और लड़की अब एक है तो पानी जरूर ही मिलना है। लड़का चार हो जरूरी नहीं है, क्योंकि लड़की आंगन में जब होती है बेटी तो आपने देखा होगा कि बाप या कहीं से हारा थका आए तो तुरंत एक लोटा पानी मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, भोजन मिलेगा, उसके बाद जो गंदे कपड़े हैं वो उतरवाएगी और फिर वो गंदे कपड़े धोएगी और तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाएगी। ये लड़की जब आंगन में पैदा होती है तो तीन चीज लेके आती है, श्रद्धा, शक्ति और भाव। श्रद्धा, शक्ति और भाव। बेटी आंगन में आए तीन चीज लेके आती है तो बाप को कोई टेंशन नहीं होती। और जब जो कितने बड़े हैं ना, बाप कौन से हारा थकवाए जाए, कोई मतलब ना है कि पाप आए गए या पापा आए गए तो एक लोटा पानी दे दो, ये औलाद नहीं देते। और न मानो तो देखना, बेटी को और बेटा को दोनों को मेले में ले जाना और दोनों को पैसे देना, बोले जाओ खिलौने ले लो, तो बेटा लगेगा बंदूक की दुकान पर और बेटी लगेगी गुड़िया की दुकान पर। बंदूक जन्मजात से आतंकवादी है ना, ये बंदूक खरीदेगा और परिचर जी दो चार दिन बंदूक चला ले, कोई हाथ पांव सब टूट टार के घरी, चार दिन बंदूक नहीं चलाएगा। और बेटी गुड़िया जब लाएगी तो उस गुड़िया को सजाएगी। ये 101 रुपए हमारे करीब आए हैं श्रीमान अनंत कुमार ठलवा साहब। भगवान से कामना करेंगे परमात्मा हमेशा आगे बढ़ाते रहे। बेटी क्या करेगी, श्रृंगार करेगी उस गुड़िया को, सजाएगी। और बेटी का काम होता है सजाना, चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कुछ भी हो, बेटी का काम है सजाने का। गुड़िया सालों बाद देखना जो कि मिलेगी उसकी, ऐसी की ऐसी। लेकिन इस औलाद का कोई ठिकाना नहीं कि बुढ़ापे में एक लोटा पानी दे दे। भक्तों आप अंदाजा लगाना, जब बेटी बड़ी हो जाए और बाप जब शादी के लिए भागता है, एक रुपया न हो, बेटी की शादी होगी कहीं से भी आए कैसे भी आए तो उसकी शादी के लिए पैसा अवश्य आए। परिचय जी तुम हम पर नजर रखो। कहीं से आए कैसे भी आए पैसा आए। और बेटी, मैं उन बेटियों की बात कर रहा हूं, कितने भी झगड़ा हो जाए लेकिन वो बुराई नहीं मानती। चाचा को काम एक मिनट में कर आए, ताऊ को काम एक मिनट में कर आए, अपनों को काम करें, और भैया भैया में तो कभी बनिया ही ना। जब भाई जोने बैठे तो भाई बिल्ली जैसी लड़ाई होनी, लेकिन संज्ञा को कौन त्योहार थकवाए तो रोटी कौन देता है, बहन। और संज्ञा को जय कही अरे खा ले, पूरे दिन है वो लटका फिर रहा हुआ, कपड़े भी बहन धोएगी, हाँ अब तो खा ले, पूरे दिन है वो लटका फिर रहो, कह गई तो कह लेंगे। लेकिन बहन कभी अपने भाई से नाराज नहीं होती। बाप शादी के लिए जब जाता है देखता है और बड़ी बेटी अपनी माँ की सहेली बन जाती है। जब बेटी आंगन में बड़ी हो जाए ना तो अपने मन की सारी बातें अपनी माँ से शेयर कर सकती है। बाप बेचारा लड़का देखने जाता है, कोई उसे बैठने नहीं देता है, तो वह रो करके, अब पत्नी तो घर में पूछे क्या हुआ, सारा दिन हो गए निकल के गए थे, तो वो जवाब देंगे कि कुछ नहीं, तो बेटी का दिल टूट जाता है। समझदार बच्चों की बात कर रहा हूं,
दिल टूट जाता है उनका कि मेरी खातिर आज मेरा बाप दरवाजे दरवाजे पे भीख मांग रहा है, लेकिन उसे कोई अपने दरवाजे पर टिकने नहीं दे रहा। रोने लगते और रोकर के अपनी माँ को बुलाती है और एक ही बात कहती है, माँ मुझे कई दिन हो गए, कई दिन हो गए मैं अपने पिता को देखती हूँ तो उनका उतरा हुआ चेहरा मुझे देख करके मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं, मेरे खातिर मेरा बाप दरवाजे दरवाजे पे भीख मांग रहा है लेकिन उसे कोई अपने दरवाजे पर बैठने नहीं दे रहा। हे माँ तेरे हाथ जोड़ती हूँ, अगर मेरा बाप अगर गरीब के कूटे पे बांध देगा तो मैं गरीब के कूटे पे बंद करके अपना जीवन काट लूंगी, आधी रोटी एक होगी आधी रोटी खा करके गुजर चला लूंगी, लेकिन मैं कभी अपने पिता को ताना नहीं मारूंगी। माँ मेरे बाप से कह दे कि मेरे लिए चिंता ना करे, जा वो बात देंगे तो वही पर बनी रहूंगी। बेटी रो करके अपने बाप को जवाब देती है, लेकिन जब शादी के दिन नजदीक आते हैं, शादी के दिन जब नजदीक आते हैं, बाप महीनों पैरों से भाग रहा है लेकिन बाप थकता नहीं है साहब, खाए ना खाए फिर भी नहीं थकता, नहाए फिर भी नहीं थकता, पूरे पूरे दिन भाग रहा है हलवाई निमंत्रण फलाना ढिकाना, लेकिन बाप थकता नहीं है, घर में जब भी आता है तो खुश होके आता है, लेकिन जब शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं तो बेटी रोती है देख करके, ये मेरे ताऊ ये मेरे चाचा ये मेरे पिता ये सब कुछ मुझे पराया सा कैसे लगने लगेगा। और एक बात और कहूं, इन बेटियों को कोई अपने दिल में जगह नहीं देता, सेवा कर करके दिल में जगह बनाती है, बाप के जा रहे हैं तो बाप की सेवा, और फिर भी ताना मिलता है कि पराए घर को घूमो है उसे तो एक दिन जाना है, ससुराल चली जाए तो वहां पर ताना मार मार करके पराए घर से आई है उसे कोई अपना नहीं बनाने को तैयार होता। लेकिन शादी जिस दिन होती है बाप कभी थका नहीं, और नंबर जब पिता पे आया अपने पिता को उसने बुलाया, एक आंसू बेटी के प्रति नहीं रुका, और जैसे ही बेटी आज छाती से लगी बाप के आंसू निकल आए और याद करने लगा, परमात्मा जिसकी खातिर मैं सब कुछ कर रहा हूं आज मेरी बेटी मुझसे जुदा हो रही है, कहां जा रही है क्यों जा रही है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, लेकिन बाप फूट फूट के रोता है, फूट फूट के रोता है, और सबसे ज्यादा कौन रोता है जिनमें कभी एक मिनट को बनी नहीं, जिनमें कभी एक मिनट को बनी नहीं। भैया लोग कहते हैं तू क्यों रोता है, तो वो कहता है रोता तो मैं इसलिए हूं कि जब जब मेरे पे मुसीबत पड़ी तब तब मेरी बहन मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई, जब जब मुसीबत पड़ी तब मेरी बहन ने मेरी लाज बचाई, मुझे भूखा रहता जबरदस्ती भोजन नहीं कराया तो मेरी बहन ने कराया, और आज कौन भोजन कराएगा कौन मेरे कपड़े धोएगा, मेरी बहन हमेशा मेरी रक्षा करती रही, और बहन अपने भाई की कमीज पकड़ती है और कमीज पकड़ के छोड़ती नहीं है, एक ही बात कहती है भैया पूरी ताकत से कमीज पकड़े है छोड़ने को तैयार नहीं है, वो गाड़ी में धक्का लगा रहा है बहन बाहर को आ रही है, वो धक्का लगा रहा है बहन बाहर को आ रही है, कमीज पकड़े है छोड़ने को तैयार नहीं है, जैसे लाकर वो तैसे रह लूंगी, लेकिन दूसरे घर में जबरदस्ती मुझे मत भेज मेरे भाई, लेकिन फिर भी भैया को जबरदस्ती अपनी बहन विदा करनी पड़ती है, और जैसे ही विदा होती है आंगन में तो बाप एक कोने में गिर जाता है फिर उससे उठा नहीं जाता। लोग कहते हैं कि भैया
हलवाई भाई जा रहे हैं तो बाप गिर जाता है और ये कहता है भैया आज मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, कल सबका पैसा टाइम से पहुंच जाएगा। अब बाप क्यों गिरा? बाप इसलिए गिरा क्योंकि जो शरीर में शक्ति थी ना वो शक्ति घर में बैठी थी, वो शक्ति निकल के दूसरे के घर जाने लगी। इसलिए आज बाप की शक्ति खत्म हो गई और बाप वहीं पर गिर गया। ये बहन बेटियों की बात है, अच्छी बच्चियों के लिए गांव रोए, मोहल्ला रोए, परिवार रोए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी बेटी की सेवा करके अगर घर में बाप रोए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज के जमाने में बाप हमेशा अपनी बेटी से कुछ नहीं मांगता, कहता है करती है। बोले गोविंद भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की। देखते हैं एक लाइन कीर्तन, उसके बाद भगवान कन्हैया का रुक्मणी के साथ किस तरीके से विवाह हुआ आप लोग सुनेंगे। कथा में गौर करते हैं, एक भगवान का कीर्तन अवश्य बोलेंगे।